हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दे, जहां ठगी के शिकार बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वृद्ध सीताराम शर्मा का निधन हो गया। कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह पर उन्होंने आरोप लगाया था और करोड़ों की ठगी का आरोप लगाते हुए उन्होंने जहर खा लिया है। 2 दिन पहले MLA के कालपी ब्रिज वाले घर पर उन्होंने जहर खाया था और इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है। पुलिस पर FIR के बाद लापरवाही का भी आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, लगातार कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह पर कई गंभीर आरोप लगे थे और अब जो उनसे ठगी का शिकार हुए थे उनका निधन हो गया है। जी बता दूं, काफी समय से ये जो कि सीताराम शर्मा थे, काफी जो अजब सिंह मामले बताए गए, अजब सिंह कुशवाह जी वो कांग्रेस से बताए गए और उनके इनके द्वारा महाराजपुरा थाना क्षेत्र के एक विक्रमपुर है, वहाँ की उन्होंने एक जमीन दिखाई थी। सीताराम ने उसको जमीन का सौदा 1,80,00,000 के आसपास किया था और उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से उधार लेके उस पैसा अजब सिंह कुशवाह को दिया था और उस पैसे के बाद से जब ना वो 11 साल के बाद से वो चक्कर लगा रहे थे, ना उनको पैसा मिला था ना जमीन मिली थी और उसके बाद उन्होंने कई बार प्रयास भी किए विधायक जी से, कई बार वो मिलने के उन्होंने बात करने की बात की पर लेकिन उनका कोई आश्वासन ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारी तक चक्कर लगाए लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं। लेकिन कहीं अगर अभी कुछ दिनों पहले ही अभी जब उन्होंने लगातार पेट्रोल लेके सुसाइड करने की आत्महत्या करने की धमकी भी दी, उसके घर पर उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन भी किया लेकिन उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन जब उसके जाके पुलिस ने एक छोटी सी FIR गोलाघाट मंदिर थाने में उनके अजब सिंह कुशवाह के विरुद्ध काटी थी लेकिन उसके बाद भी अजब सिंह कुशवाह को अभी तक उसने गिरफ्तारी नहीं की, ना ही उसे बयान ली गई, ना ही पूछताछ की गई। जिसके बाद भी काल्पी ब्रिज पर परसों के दिन जी सीताराम शर्मा एक जहर की पुड़िया लेके उनके घर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने उनसे मिलने का प्रयास किया अजब सिंह कुशवाह से लेकिन वहां उनके ना कोई सुनवाई हुई ना कोई ना मिला नहीं। तब जाकर उन्होंने जहर खा लिया और उसके बाद परिवार वालों को पता पड़ा तो परिवार वालों ने ICU में जहरों के ICU में भर्ती कराया, जहां पर आज सुबह उन्होंने 4:30 बजे सुबह 5 बजे अपनी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार अभी पुलिस फोर्स से हम मौके पर आया गया है, परिजन अभी पुलिस मौके पर जो मृतक है। जी शुक्रिया महेंद्र पूरी जानकारी के लिए। दम तोड़ा है, ग्वालियर से बड़ी खबर, ठगी के शिकार वृद्ध सीताराम शर्मा ने दम तोड़ दिया। कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाह पर लगाया था आरोप, करोड़ों की ठगी का आरोप लगाते हुए जहर खाया था। 2 दिन पहले MLA के कालपी ब्रिज वाले घर पर जहर खाया था, इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस पर FIR के बाद लापरवाही का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से, ठगी के शिकार बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। ठगी का शिकार हुए वृद्ध सीताराम शर्मा ने दम तोड़ दिया। कांग्रेस के MLA अजब सिंह कुशवाह पर आरोप लगाया था करोड़ों की ठगी का और आरोप लगाते हुए जहर खा लिया था। 2 दिन पहले MLA के कालपी ब्रिज वाले घर पर ही जहर खाया था। तो पुलिस पर FIR के बाद लापरवाही का भी आरोप है। महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जानकारी दे इस खबर पर। महेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, महेंद्र जानना चाहूंगी मैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो गोला मंदिर के क्षेत्र में रहने वाले अजब सीताराम शर्मा है, उन्होंने 2010 में अजब सिंह कुशवाहा जो किस मामले विधायक कांग्रेस विधायक है अजब सिंह कुशवाहा उनसे 2010 में 46 भगवान सिंह नजर में उन्होंने जमीन का सौदा 1,86,00,000 में उन्हें अजब सिंह कुशवाहा से किया था और इसका जब उन्होंने जब उस पैसे 1,86,00,000 देने के बाद उसको जगह नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, जबकि ऐसी उन्होंने करा ली थी लेकिन उसके बाद भी उसको जमीन नहीं मिलने के बाद उन्होंने जब अजब सिंह कुशवाहा से उसके बारे में संपर्क किया तो फिर अजब सिंह कुशवाहा ने उसको उनको आश्वासन देते हुए कुछ दूसरी जगह बेहोत एनर्जी फेंस में उन्होंने प्लॉट और जमीन देने का वादा किया था लेकिन जब वो उन्होंने उस प्लॉट और जमीन को दिया था उसके बाद भी उसको पोजीशन नहीं मिली। लगातार उस चीज को लेकर संपर्क कर रहा था जिसकी शिकायत उन्होंने बाद में जो 5 सितंबर में वहां महाराजपुर थाना में की थी। इसके बाद FIR जो कि अजब सिंह कुशवाहा के खिलाफ उसके जो कि रिश्तेदार थे 5-4 रिश्तेदार थे उनके खिलाफ FIR की पुलिस ने की थी लेकिन लगातार लापरवाही पुलिस की भी रही क्योंकि उन्होंने लगातार उस पर FIR करने के बाद अजब सिंह कुशवाहा से कोई संपर्क नहीं किया, ना ही कोई FIR के बाद उनसे कोई संपर्क करने का उसको कार्रवाई की। तो उस कार्रवाई न होने के बाद अजब सीताराम शर्मा जी अपने अजब सिंह कुशवाहा के घर पहुंचे थे काफी बीच पे जहां पर उन्होंने परसों के दिन शाम के टाइम पर हंगामा किया। हंगामा के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस पर इस पर सवालिया निशान जरूर उठेगा महंत क्योंकि FIR पर लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका जानकारी।